भेड़ हमेशा अपने लीडर को फॉलो करती है, अपने आगे चलने वाले को। उसे नहीं पता होता कि वो कहाँ जा रही होती है, चाहे उसे काटने के लिए ही क्यों न ले जाया जा रहा हो। वो हमेशा बिना सोचे समझे, बिना जाने सर झुकाए चलती रहती है। आप चाहे उसे स्लॉटर हाउस ही क्यों न ले जाएं, वो चलती जाएगी। वो चाहे मर ही क्यों न जाए, वो हमेशा फॉलो करती है, क्योंकि वो नहीं जानती कि कयादत किसे कहते हैं। वो कभी भी लीड नहीं करती। जबकि एक लायन हमेशा लीड करता है, वो अपना रास्ता, अपना शिकार खुद चुनता है। इसकी वजह उसका एटीट्यूड है, और यही चीज उसे जंगल का राजा बनाती है। वो कयादत करना जानता है, वो जानता है कि यहाँ हिम्मत चाहिए, अपना रास्ता खुद बनाने की हिम्मत। यहाँ ताकत चाहिए, डटकर खड़े रहने और अपनी जिंदगी की जंग लड़ने के लिए। चाहे सब आपका साथ छोड़ जाए, फिर भी आखिरी दम तक लड़ने की हिम्मत। एक लाइन जंगल के जानवरों में सबसे लंबा नहीं होता, ना ही वो साइज में सबसे बड़ा होता है, ना ही वजन में सबसे ज्यादा होता है, ना ही वो सबसे ज्यादा स्मार्ट और जहीन होता है। फिर भी जब वो सामने आता है तो सब जानवर जान बचाने के लिए भाग जाते हैं। इसकी वजह इसका एटीट्यूड है, लाइन एटीट्यूड। एटीट्यूड इस चीज का नाम है जो तुम अपने बारे में सोचते हो, जो तुम करते हो, जो तुम अपने आप में महसूस करते हो, जो तुम्हारा खुद पर यकीन है, जो तुम्हारा बिलीफ है। बिलीफ में इतनी ताकत होती है कि ये एक हाथी को बकरी की तरह सोचने पर मजबूर कर देता है। ये एक ताकतवर हाथी को शेर से डरने पर मजबूर कर देता है। ये एटीट्यूड ही है जो बड़े बड़े भारी भरकम और ताकतवर जानवरों को मजबूर करता है कि वो शेर को जंगल का राजा माने, उसकी इज्जत करे। जैसे लायन अगर हाथी को देखता है तो सबसे पहले चीज, पहला लफ्ज जो उसके जहन में आता है वो ये है कि मैं इसे खा सकता हूँ, और ये चीज शेर के अंदर बहादुरी पैदा करती है। जबकि हाथी चाहे जितना मर्जी बड़ा, ताकतवर और जहीन हो, शेर को देखकर पहली चीज, पहला ख्याल उसके जहन में यही आता है कि ये मुझे खा सकता है। ये चीज हाथी के अंदर डर पैदा करती है, क्योंकि ये मैटर नहीं करता आप कितने बड़े हैं, कितने मजबूत, कितने ताकतवर और कितने जहीन हैं, आपके पास कितनी डिग्रियां हैं। मैटर ये करता है कि आपका खुद पर यकीन कितना है, आप अपने बारे में क्या सोचते हैं। आपका बिलीफ, आपका एटीट्यूड ही आपको छोटा या बड़ा बनाता है। आपका एटीट्यूड आपको जिंदगी में आगे बढ़ने में मदद करता है, आपको सहारा देता है जब आप गिरने लगो। जिसका लाइन एटीट्यूड होता है वो इज्जत ढूंढते नहीं, इज्जत करवाना जानते हैं। वो जानते हैं कि उन्हें कौन सा रास्ता चलना है। वो अपनी ताकत को पहचानते हैं, वो जानते हैं कि उनके लिए सही क्या है। चाहे कोई भी उन पर यकीन करे या ना करे, वो अपने दिल की आवाज सुनते हैं। अपनी जिंदगी शेर की तरह गुजारनी है या भेड़ की तरह, फैसला आपने खुद करना है। एक लाइन की तरह लीड करना है और जिंदगी को अपनी मर्जी से गुजारना है, या एक भेड़ की तरह फॉलो करना है। लोगों की राय, लोगों के फैसलों और लोगों की मर्जी के हिसाब से जिंदगी गुजारनी है। जिंदगी में वो बनना है जो लोग चाहते हैं, या वो बनना है जो आप चाहते हो, जो आपके दिल की आवाज है। हमेशा याद रखना कि ये अहम नहीं कोई आपके बारे में क्या सोचता है, अहम ये है कि आप अपने बारे में क्या सोचते हैं।